कॉमन बुल स्नेक है जिसको कि घर में सांखर सांप बोलते हैं। तो ये बिल्कुल नॉन वेनमस सांप है, इसके काटने से कुछ नहीं होता। ये अक्सर घर में ही पाए जाते हैं और इसका पसंदीदा भोजन छिपकली है, क्योंकि घर में लाइट वहाँ पे छिपकली आते हैं, तो इसका पसंदीदा भोजन छिपकली है। तो वो छिपकली को खाने के लिए अक्सर हमेशा घर में आते हैं। अक्सर कॉमन वुल्फ स्नेक कभी भी जंगलों में नहीं पाए जाते हैं, हमेशा घर में पाए जाते हैं। लेकिन हम लोग आदर्श स्नेक रेस्क्यू टीम से आए हैं, तो हम लोग इसे रेस्क्यू करेंगे और इसे जंगल में छोड़ेंगे। हालांकि जंगल में भी इसका भोजन मिलता है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ इसे रेस्क्यू करेंगे। ये बिल्कुल नॉन वेनमस है, इसमें कोई जहर नहीं होता है। ये अगर काट भी ले तो कुछ भी नहीं होता है। अक्सर खास करके अपने इलाका में अररिया, बिहार के अररिया जिला में केवल 3 ही सांप ऐसे हैं जो कि जहरीले होते हैं, जो कि है कोबरा, जिसे कि गोहमन बोलते हैं, और दूसरा है करेज, जो कि लास्ट में निकलते हैं। करेज जो है वो बिल्कुल कॉमन वुल्फ स्नेक जैसे ही होते हैं, ये भूरा है वो, लेकिन काला होता है, ठीक है, वो काला होता है और उस पर भी वाइट पट्टी होता है। जैसे इसमें वाइट पट्टी है, लेकिन ये भूरा है, वो काला होता है और वाइट पट्टी होता है। तो वो कॉमन वुल्फ स्नेक है और वो करेत है, उसमें बहुत ही ज़्यादा जहर होता है। वो करेत जो कि काला होता है उसमें वाइट पट्टी होता है, और तीसरा होता है बैंडेड करेत, जिसे कि अक्सर हम लोग के इलाका में सभी सांप का राजा बोलते हैं, वायर बोलते हैं, जो काला होता है और पीला पट्टी होता है। तो मात्र ये 3 ही सांप जहरीले होते हैं, बाकी अपना इलाका में पाए जाने वाला कोई भी सांप जहरीला नहीं है। वैसे तो 4 सांप जहरीले हैं, जो कि इसमें एक अपर जो कि गर्मी के इलाके में पाए जाते हैं, पूर्वी चंपारण, बक्सर और पश्चिमी चंपारण के इलाके में पाए जाते हैं। तो अभी जो ये है ये बिल्कुल ही नॉन वेनमस सांप है, अगर ये काट भी ले तो इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर भी इंसान जो है मरता काहे है, वो एक भ्रम से मरता है। भ्रम इसलिए कि क्योंकि अगर कोई भी सांप काट ले तो उसका हार्ट अटैक से उसका मृत्यु हो जाता है, क्योंकि उसको पता नहीं होता है कि कौन सांप जहरीला है, कौन सा जहर वाला है, कौन सा बिना जहर वाला है। अगर उसको काट ले तो उसका डर से मृत्यु हो जाता है। हम लोग एक कोई भी इसमें ओझा धामी गुण मंत्र का कोई भी जरूरत नहीं है, यह सिर्फ एक हम लोग नॉलेज लिए हुए हैं, किताब पढ़े हुए हैं कि कौन सांप जहरीला है, कौन सांप जहरीला नहीं हुआ है, तो इसी हिसाब से हम लोग पकड़ते हैं। तो ये इसको रेस्क्यू करते हैं, अभी आराम से इसे हाथ में लेंगे, अगर ये काट मिले तो इससे कुछ नहीं होता है। देखिए ये नॉन वेनमस सांप है, इंडियन स्नेक रेड कॉमन वुल्फ स्नेक है, इससे कुछ नहीं होता है। देखिए देखिए काटने के लिए कितना सबको काटते हैं, अगर ये काट भी ले तो इससे कुछ नहीं होता है। ये कॉमन वुल्फ स्नेक है, अक्सर ये घर में ही पाए जाते हैं, इससे डरना नहीं है। लेकिन मेन बात है अपने, खास करके अपने इलाके में सांप से डर नहीं, सांप के नाम से डर होता है। तो वैसे ही यहाँ पे है, क्योंकि सांप देख लिए तो यहाँ सांप के नाम से डर हो गया है। वैसे तो ये कॉमन वुल्फ स्नेक है, बिना जहर वाला है, ये काट भी ले तो कुछ नहीं होता है। लेकिन भैया लोग यहाँ काफ़ी परेशान थे, नए थे, इनको जानकारी नहीं थी, तो हमने इसे जानकारी दिया, वीडियो में पूरा जानकारी है। तो इसे पकड़े, पकड़ने का कोशिश ना करें, क्योंकि हम लोग बहुत ही ट्रेनिंग के बाद इसे पकड़ने का कोशिश करते हैं। देखिए कॉमन वुल्फ स्नेक है, क्योंकि इसे कॉमन वुल्फ स्नेक इसलिए कहा जाता है, इसका मुंह भेड़िए की तरह है, भेड़िया एक वुल्फ को कहा जाता है, इसलिए इसका नाम कॉमन वुल्फ स्नेक है। तो इसे हम अभी यहाँ डब्बे में रेस्क्यू करेंगे और इसे जंगल में छोड़ेंगे। वैसे तो ये घर का सांप है, लेकिन जंगल में छोड़ना हम लोग का एक ही मोटो है कि पर्यावरण में सांप जीवित रहे, क्योंकि सांप के बिना पर्यावरण असुरक्षित है। एक सांप किसी भी किसान को बहुत ही फायदेमंद होता है। तो हम इसे रेस्क्यू करते हैं, इसे डब्बे में डालते हैं। डर गया, जितना उसे डर होता है
इसके घर में कोई गार्जियन नहीं थे तो ये बहुत ही डरे हुए थे। तो ये सांप से डरना नहीं है, आप लोग को बता देते हैं कि ये कॉमन वुल्फ है स्नेक है। अगर भूरा दिखे और उस पर वाइट पट्टी हो तो ये कॉमन वुल्फ स्नेक है, जिसको कि घर में हम लोग सांखड़ बोलते हैं। ठीक है, धन्यवाद। क्या बोलते हैं? सांखड़। सांखड़ बोलते हैं, इसमें जहर नहीं होता। लेकिन फिर भी आप सबसे अनुरोध है कि अगर कोई भी सांप काटे तो सबसे पहले आप अपने सदर अस्पताल जाएं, वहां पे एंटी वेनम सीरम मिलता है जो कि सांप का जहर को मिटाता है। ठीक है, बहुत सारे व्यक्ति क्या वो होते हैं कि डर से मर जाते हैं। अगर नॉन आप लोग सुने होंगे कि सांप काटा और फलना ओझा के पास गए वो ठीक हो गया। ठीक है, अगर ये सांप हमको काट ले अभी, अगर हम ओझा के पास जाएं या नहीं जाएं हमको कुछ नहीं होगा, वो जाएगा ठीक। अगर वही इसके बदले अगर कोबरा काट ले, कोबरा सबसे उसमें हैवी सांप है, उसमें न्यूरोटॉक्सी नामक उसमें वेनम होता है, जहर होता है। अगर वो काट ले, अगर वैसा काटा हुआ व्यक्ति अगर जाता है कोबरा सांप अगर काटे, नहीं 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 मरेगा इसमें आराम से। हम लोग मारते ही नहीं है, इसीलिए तो हम लोग हैं रेस्क्यू टीम है। अगर क्या बोलते हैं कोबरा सांप काटे तो कोबरा में न्यूरोटॉक्सिन नामक वेनम होता है, जहर होता है, जो कि काटने से इंसान थोड़ा थोड़ा उसका ब्लड सर्कुलेशन को ख़त्म कर देता है, उसको जमाने लगता है, जिससे कि इंसान मर जाता है। ठीक है, तो कोई भी सांप काटे तो सबसे पहले आप लोग अस्पताल जाइए। हम लोग इसलिए हैं कि हम लोग को पता है कि कौन सांप में जहर है कौन सांप में नहीं है। तो हम लोग को ये सांप काट ले तो हम लोग को ज़्यादा नर्वस के कारण हार्ट अटैक से मर जाते हैं। तो इसलिए सबसे अनुरोध है कि अगर सांप काटे तो हॉस्पिटल जाएं। वैसे इस सांप से में जहर नहीं है, हम आपको पहले भी वीडियो भी भेजे थे बिल्कुल हाँ, कि ये सांप में कुछ नहीं है, एक टंटा से आराम से आप बाहर कर सकते हैं। अगर काट भी ले तो कुछ नहीं, नहीं, नहीं होगा। वो छोटे से जगह पे थे, कोशिश कर रहे थे लठी से लगाएंगे नीचे गिर जाएंगे, इसलिए मर भी सकते, नीचे भी गिर जाते हैं अगर हाथ से पकड़ लेते हैं आराम से। अगर काट भी लेते काट के दिखाएं, नहीं 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 हम आपको वीडियो भेजे जिसमें ये सांप हमको काटा था, देखिए ये सांप हमको काटा है, उस भी वीडियो हम भेजे हैं। एक्सपीरियंस अलग होता है और यही सबसे बड़ी बात है, आप लोग को इसको छूने में भी डर लगे। हम लोग मेन बात है कि इसका पढ़े हुए हैं कौन सांप में क्या चीज है क्या नहीं है। छुइए एक बार, छू के देखिए, वैसे अगर छुएगा तो डर लगेगा, अभी पकड़े हुए हैं तो कोई सही बात है, पता हुनर वाले आदमी खड़ा है इसलिए। बस यही चीज है, ज्यादा कुछ नहीं है। और कोई भी ओझा धामी के चक्कर में मत पड़िए। ओझा धामी बोलते हैं कि अगर ये सांप काट ले अगर ओझा धामी के पास जाए तो हाँ इसमें छेद करेंगे। तो ये सांप काट ले अगर कोई भी ओझा के पास जाइएगा तो ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या दिक्कत हाँ, है इसमें? जहर ही नहीं, जहर इन्फेक्शन, इंसान के शरीर खुद जहर रहता है, इन्फेक्शन होता है, थोड़ा सा घाव हो सकता है, ठीक है, बाकी और कुछ नहीं है। अगर इसी के बदले कोबरा काट ले तो उसमें जहर है। अगर ये सांप काट ले और ओझा के पास जाए तो ठीक कर देंगे, आदमी को विश्वास हो जाता है कि बाप रे वो ओझा के पास गए थे, काटा और सही हो गया। अगर कोबरा काट ले और ओझा के पास जाए, ओझा क्या बोलेगा, 5 मिनट पहले आते हैं तो हम बचा लेते, क्योंकि उसका बाप का भी औकात नहीं है कि वो बचा ले, क्योंकि उसके पास एंटी वेनम सीरम है और एंटी वेनम सीरम का इलाज जो है सांप के जहर से ही होता है। सांप अक्सर देखते होंगे नया नया वीडियो में, अभी हम लोग का भारत के बिहार में ऐसा कोई नहीं है कि सांप का जहर को निकाल के उसको दे और वो एंटी वेनम सीरम बनाए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन गोवा में और अपना राजस्थान में ये दो जगह ऐसा है कि वहाँ का रेस्क्यूअर जो है वो एंटी वेनम उसका जहर निकाल के देते हैं और वो एंटी वेनम सीरम बनाते हैं, जो कि अगर सांप काटे तो वही एंटी वेनम सीरम। जैसे कि आपको सांप काटा, कितना परसेंट आप में जहर है? 20% जहर है तो 5 सुई लगेगा आपको, 40% जहर है तो वही मेन वही सुई आपको 10 लगेगा। तो यही चीज़ है, तो अपना बिहार में तो ऐसा नहीं है, बिहार सबसे पिछड़ा है। जी बिल्कुल हाँ, वो नहीं होगा ऐसा नहीं है, वो तो होगा कुछ दिन के बाद होगा। ये सारा टीम मेरा भाई है, चैनल मेरा है आदर्श स्नेक, देख लिया हम लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिल्कुल बिल्कुल फेसबुक पे है ये जी है।
हो गया डिब्बा में बैठ 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 गाड़ी बैठ चैनल पे आ जाता है थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा बिल्कुल बिल्कुल फोटो लेन स्टार्ट अभी जो हम हरगिजगंज में कमल उसने रेस्क्यू किए थे उसे अभी हम यहाँ रिलीज करेंगे बिलात नहीं गलो रही पर्यावरण के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है संगम ले जा घरे में इसका कॉमन उल्फ स्नेक इसलिए नाम है क्योंकि इसका मुंह एक भेड़िए जैसा है और भेड़िए को लोग उल्फ बोलते हैं तो इसीलिए इसका नाम कॉमन उल्फ स्नेक है एक भेड़िए जैसा है तो इसे डरना नहीं है ये बिल्कुल ही नॉन वेनमस सांप है इसमें कोई जहर नहीं होता लेकिन आप लोग से अनुरोध है कोई भी सांप काटे तो सबसे पहले अस्पताल जाएं आप लोग अंधविश्वास में ना पड़े ओझा धामी के पास ना जाएं हम लोग ट्रेनिंग लेने के बाद इतना कुछ करते हैं ठीक है ठीक है भी छोड़ रहे हैं जंगल में आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फेसबुक पे भी हमारा चैनल है और यूट्यूब पे भी हमारा चैनल है आदर स्नेक रेस्क्यू से आप लोग प्यार दें।